भी टीमें अभी तक आई हैं ना, आप खेले हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, कीनिया के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ और शारजा जैसी विकेटों पे। मैं उस दिन बार बार ये, बल्कि विकी भी अभी मेंशन कर, देखें आप ये देखें कि एक टीम आपके मुल्क में अच्छी आई, इंग्लैंड, इंग्लैंड और वो भी बी टीम खेली। हाँ जी। और उसने एक्सपोज कर दिया आपकी सारी टीम को, शॉर्ट पिच बॉल किए। आप ये सवाल है कि ऋषभ पंत रिसेंटली इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन एम एस धोनी के बाद, जिसने इंग्लैंड में 100 किया, ऑस्ट्रेलिया में 100 किया, सारा कुछ किया, वो अगर पाकिस्तान की टीम में होता वो कभी मैच बाहर बैठता वर्ल्ड कप का? नहीं बैठता ना। इंडिया ने उसको बैठाया किसकी जगह? दिनेश कार्तिक को। क्यों? उनको ये लगा कि ये क्रिकेटर बहुत अच्छा है, रन्स बहुत करता है, लेकिन हमें उस पॉइंट पे एट दैट पर्टिकुलर नंबर हमें फिनिशर चाहिए जो मैच फिनिश करे। दो छक्के मार लेगा, मैच फिनिश नहीं करेगा तो हम मैच हार जाएंगे। आपकी बात की कैरी करता हूँ, दैट इज द वे टू गो। ये जो ऋषभ पंत और डीके वाली इन्होंने एग्जांपल दी, जडेजा अनफिट हुआ, अक्षर पटेल आया, ना कि उन्होंने बॉलर से बैट्समैन को रिप्लेसमेंट कर दिया, वो मैचअप पे लेके आए। ठीक है, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही की है, वो मैचअप। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप इस क्लिप में देखेंगे शलीम मलिक हैं, आमिर हैं और बहाव रियाज हैं, बात कर रहे हैं किस तरीके से जो अभी पाकिस्तान के दो मैच की परफॉर्मेंस हुई है उसमें रिजवान और बाबर आजम कैसा खेलते हैं, और ये जो रैंकिंग बताती है वो असल चीज़ नहीं बताती है। हालांकि मैं एक बात बता दूँ, पाकिस्तान की टीम दो मैच बस ख़राब खेली, उसके पहले पाकिस्तान की टीम जो भी मैच अच्छा खेल रही थी उसमें बाबर और रिजवान बहुत बड़े फैक्टर थे। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल बात। प्लीज़ शर्ट, हम ना लाहौर में रहते हैं, हमारी इस्लाम पिंडी से ना 4-4.5 घंटे की दूरी है, सही है। और कुछ लोग पिंडी के बिल्कुल करीब हैं, उनकी आधे घंटे की दूरी पे हैं। आपको पता होगा कितनी देर लगती है, क्या होता है, कैसे होता है। विकी भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पाकिस्तान जब हार गया ना मैच, इंडिया से हारे फिर जिम्बाब्वे से हारे, बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसमें एक्स क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ ये भी शुरू हो जाती है, ख़ासतौर पे कुछ लोग हुए हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं जी बाबर को अभी भी हमें सपोर्ट करना है, बाबर हमारा कैप्टन है, बाबर इज़ द बेस्ट, रिजवान इज़ द बेस्ट, और फिर वो साथ में एक बात ये करते हैं कि भाई ये जो साहब बैठ के तनकीद कर रहे हैं, ख़ुद जब खेलते थे तो ये क्या खेलते थे, इस पर बात कर लें, वो साहब जब खेलते थे तो वो कैसे खेलते थे उस पर बात कर लें। मतलब यहाँ पर किसी से बुग्ज़ निकालने के लिए, गुस्सा करने के लिए तो नहीं बैठा हुआ ना, मतलब ऐसे लोगों का आप क्या, ये रहा आपका कैमरा। देखिए सर, मैं, आमिर, सलीम भाई शो में बैठे हुए, हर एक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आमिर शायद मेरे साथ इत्तफाक ना करे, सलीम भाई शायद आमिर से इत्तफाक ना करे। सो जिसका जो जहाँ पे बैठ के जो बात कर रहा है, हम सबको उसके उस ओपिनियन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, रिगार्डलेस वो सही कह रहे हैं, रिगार्डलेस वो गलत है, वो गलत कह रहे हैं, उनकी ओपिनियन हमें सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो समझते हैं बाबर को कप्तान होना चाहिए वो भी ठीक है, जो समझते हैं उसको नहीं होना चाहिए वो भी अपनी जगह पे ठीक है। देखिए, डिसाइड करना किसने, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में ना कि क्या डिसीजन लेना है आफ्टर दिस वर्ल्ड का। इट्स नाइदर मी, नाइदर आमिर, नाइदर सलीम भाई, नाइदर कोई एक्स वाई जेड। हर एक बंदे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, हर एक बंदे ने अपनी बात करनी है। बात सिर्फ इतनी सी है कि देखें अपने टाइम पे हर एक के साथ, देखिए फ़र्क मैं आपको बताता हूँ, फ़र्क क्या आता है, फ़र्क क्या आता है उबैद भाई, के जब आप एक टीम सिलेक्शन होती है एक प्रोसेस होता है, आप उस प्रोसेस से आते हैं, जब आप उस प्रोसेस से आते हैं ना तो लाइकिंग डिसलाइकिंग इस कल्चर का हिस्सा है। कभी शायद आपको मेरे से बजाय आपको 4 मैच आमिर को ज़्यादा दे देंगे, अगर आमिर आपको ज़्यादा पसंद है, मैं ज़्यादा पसंद नहीं हूँ तो मुझे आमिर से 4 मैच कम मिल जाएंगे, मेरे पास मौका लिमिटेड होगा, आमिर के पास शायद मौका 4 मैच होगा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, इतनी अगर आप किसी को फेवर देते हैं ना तो दैट इज़ वेरी मच अंडरस्टैंड कि यार ठीक है, फेवरिज्म इज पार्ट ऑफ दिस कल्चर और हुआ है। मैं अपने दौर में खेला मुझे मिली, आमिर अपने दौर में खेला उसे मिली, जो खेला अपने दौर में सबको मिली उस तरीके से। लेकिन बात यह है कि जब आप एक सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग होगा ना तो फिर ये बातें नहीं होंगी। कैसे होगा स्ट्रांग? स्ट्रांग सिस्टम कौन करता है? जो उसको होल्ड करता है, जिसके पास उसकी रस्सी है। एक सिलेक्शन का प्रोसेस अगर ये है कि चाहे वो आमिर है, चाहे वो उमर गुल है, चाहे वो शुएब अख्तर है, चाहे वो सुहेल तनवीर है, अगर वो लोग एक आपको क्राइटेरिया दिया हुआ डोमेस्टिक क्रिकेट, उस डोमेस्टिक क्रिकेट के वो परफॉर्मर्स हैं,
वो फिट हैं, वो टीम को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो सर उनको खेलना चाहिए। इसकी मिसाल हमारे पड़ोसी मुल्क में है। मेरा आपसे ये सवाल है कि ऋषभ पंत रिसेंटली इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन एम एस धोनी के बाद, जिसने इंग्लैंड में 100 किया, ऑस्ट्रेलिया में 100 किया, सारा कुछ किया, वो अगर पाकिस्तान की टीम में होता वो कभी मैच बाहर बैठता वर्ल्ड कप का? नहीं बैठता ना। इंडिया ने उसको बिठाया किसकी जगह? दिनेश कार्तिक को। क्यों? उनको ये लगा कि ये क्रिकेटर बहुत अच्छा है, रन्स बहुत करता है, लेकिन हमें उस पॉइंट पे एट दैट पर्टिकुलर नंबर हमें फिनिशर चाहिए जो मैच फिनिश करे। दो छक्के मार लेगा, मैच फिनिश नहीं करेगा तो हम मैच हार जाएंगे। आपकी बात की दैट कैरी करता हूँ, दैट इज द वे टू गो। ये जो ऋषभ पंत और डीके वाली इन्होंने एग्जांपल दी, जडेजा अनफिट हुआ, अक्षर पटेल आया, ना कि उन्होंने बॉलर से बैट्समैन को रिप्लेसमेंट कर दिया, वो मैचअप पे लेके आए हैं। ठीक है, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही की है, वो मैचअप के साथ आए। अक्षर जडेजा अनफिट हुआ, अक्षर आया, अश्विन और अक्षर खेल रहे हैं, चाहल साल से रेगुलर मेंबर है, बाहर बैठा हुआ है क्योंकि टीम की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल उन्होंने बात की है। बाकी जो आपने तनकीद वाली बात की है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दोस्त कौन होता है जो आपको कि यार ये गलती कर रहा तू ये गलती ना कर, या वो जो हाँ हाँ ठीक है लगा रहे। तो अगर हम यहाँ पे बैठ के ये बता रहे हैं कि यार यहाँ पे ये गलती हो रही है, इसको ठीक कर लो, क्योंकि हम भी उस सिस्टम का हिस्सा है, खुदा की कसम हमें भी कल दुख हुआ है। वहाँ भाई उधर से इंटर हुए क्योंकि थोड़ा लेट आए थे, कहते क्या हुआ है? मैं कहा पाकिस्तान हार गया यार, हमारी शक्लें लटकी हुई थी, अल्लाह की कसम। पाकिस्तान का जब नाम आता है ना, हर बंदे को दुख होता है। और ये जो कह रहे बुगज, मतलब कि गलती बताना कि यार ये गलत कर रहे हो, इसको ठीक कर लो, वो बुगज होता है। एक बंदा कह रहा है कि यार ये गलत काम है, इसको ना करो, इसको ठीक कर लो, वो तो बंदा बात कर रहा है। आपके चेयरमैन साहब भी तो बोर्ड में आने से पहले अपना ओपिनियन देते थे ना, देते थे, दिखाया हमने, दिखाया ना। तो हर बंदे का ओपिनियन होता है, ना कि वो बुगज होता है। तो ओपिनियन देना बुगज नहीं होता, ये तो पहले बंदा क्लियर कर ले। सर बुगज पता क्या होता है? बुगज ये होता है कि यहाँ पे बैठ के मैं और आमिर अपनी बात करते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। हमने एक दिन नहीं कहा, हमने एक दिन ना किसी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर को जो इस टीम के साथ दिया, मैं आपसे शाहीन के बारे में बार बार सवाल करता था, और ना हमने किसी पहले दिन हमने कहा था एक बैट्समैन के पास, हमने किसी एक बैट्समैन को हमने टारगेट नहीं किया, हमने अपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किसी लड़के को टारगेट नहीं किया, करना भी नहीं है। हमने सिर्फ ये बात किया है कि हमारे नजदीक अगर वो क्या बेहतर कर सकते थे और क्या बेहतर हो सकता था, और गलत क्या करें उस पे बात करें, वो जो हमें गलत लगा हमने वो बात की। हम एक ओपिनियन दे रहे हैं। आप प्लीज सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बहुत ज्यादा ये दिखाने की कोशिशों में कि जी मैं तो साथ हूँ और मैं ये हूँ और मैं साथ लेके चलने वालों में से हूँ। ये जो लोग ट्विटर पे लिखते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं ना, इनका आई थिंक इनको समझ जो है ना वो थोड़ी सी कम है। ओपिनियन उनका भी है और हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। जब हम अच्छा नहीं करते, जब हमें यही लोग बुरा वाला कहते हैं ना ट्विटर पे, हम लेते हैं, हम जवाब नहीं देते, हम कहते हैं यार ठीक है, ये इस बंदे का ओपिनियन है। बिल्कुल सही, और ओपिनियन किसी का भी हो सकता है। वहाब उन बेचारों ने सारा दिन कुछ करना नहीं होता, वो उनके पास टाइम बहुत होता है। सलीम भाई वो बात ठीक है, देखिए हम किसी के देखिए, हमने आप हमारा इंडिया वाला मैच निकाले, आप हमारा कल जिम्बाब्वे वाला मैच निकाले, हमने कहीं पे ये बात की कि यार किसी प्लेयर को पिन पॉइंट किया, ये स्पेसिफिक प्लेयर है जिसकी वजह से मैच हारे या इसकी वजह से हारे। अभी भी हम यही बैठ के कह रहे थे यार हाँ अगर बाबर और रिजवान स्कोर कर लेते, हाँ यार अगर शाहीन वो वाला ओवर ना करता, हाँ यार हारिस सौफ ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, यार नवाज कल फिनिश कर लेता, तो आप ऐसे ही सपोर्ट कर सकते हैं ना। लेकिन बात यह है कि आप हार रहे हैं, आप लोग सुनना चाह रहे हैं, कोई हमें सुन रहा होगा, कोई किसी को सुन रहा होगा, इंशाल्लाह आएंगे। नहीं वो उसी को मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जब ये शुरू हुआ था ना, तो मैं सबसे पहला वहद मैं आदमी था जिसने आपके इधर ही प्रोग्राम में मुखालफत की थी कि ये अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न क्या थी कि देखें आप ने इतने ज़्यादा पैसे लगा दिए, उसका किसको फ़ायदा होगा? हमें अंडर 19 पाकिस्तान टीम को तो कोई फ़ायदा नहीं होना। हमारे कितने प्लेयर्स खेल रहे हैं? 15-20। आप तो दूसरे लोगों के प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं ना। यही टूर्स आपने करवाए होते, आपने अपनी ग्राउंडेड ही की होती इतने पैसों से, देखें उससे आपके प्लेयर्स निकलते आपको। और दूसरी चीज़ देखें, अंडर 19 का वर्ल्ड कप करवाने से आप
उससे बेहतर था कि आप 50 ओवर्स का मैच करवा लेते, 4 डे मैच करवाते, जिससे आपके प्लेयर निकलते। आपके आप प्लेयर के कौन से तैयार करना चाह रहे हैं? क्या आप प्लेयर तैयार करना चाह रहे हैं बाबर आजम की तरह के प्लेयर तैयार करना चाह रहे हैं, या आसिफ तनवीर जो जितने बाकी नीचे हमारे मिडिल ऑर्डर हैं कि सिर्फ 4 ओवर के प्लेयर हों और बाकी उनसे खेला ना जाए? मेरा इख्तलाफ ये था कि ये T20 वर्ल्ड कप उस वक्त भी के नहीं होना चाहिए, आप अच्छे मैच करवाएं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से बात कर रहे थे, हालांकि सलीम मलिक और आमिर को तो आप जानते हैं इनकी हिस्ट्री क्या है, बट आमिर को पर्सनली मैं बहुत पसंद करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं बहाव रियाज को पसंद करता हूँ। बहाव रियाज हो या आमिर, ये बहुत बड़े मैच के प्लेयर हैं। आपको याद होगा बहाव रियाज ने एक स्पेल डाला था 2011 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मोहाली, इंडिया की टीम बहुत अच्छा खेल रही थी, सहवाग ने 5 चौके लगातार मार दिए थे, किसको, गुल को, 32 गोल कर दी थी, ऐसे कुछ उस टाइम पे बहुत चल रहा था उमर गुल की 32 गोल आज तक पे। उसके बाद क्या होता है, बहाव रियाज आते हैं 5 खिलाड़ियों को आउट कर देते हैं, सहवाग, गंभीर, युवराज, कोहली और शायद MS धोनी को भी आउट किया था। मतलब पूरा टॉप ऑर्डर, पूरा मिडिल ऑर्डर सब खा जाते हैं बहाव रियाज, इस तरीके के बॉलर थे वो। तो अब सचिन तेंदुलकर ने उस मैच में इतने जीवन दान मिले, रन बना दिए, सुरेश रैना ने रन बना दिए नीचे से, तो इंडिया जैसे तैसे 260 तक पहुंच गया और इंडिया मैच जीत गया। नहीं तो बहाव रियाज वो मैच अकेले ही ले गए थे उस मैच को, ऐसा खेला था उन्होंने। मोहम्मद आमिर की बात करें तो मोहम्मद आमिर बहुत बड़े प्लेयर हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल सिंगल हैंडली अकेले जिता दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने अच्छा टारगेट खड़ा किया, 330 या 340 जितना भी मुझे एग्जैक्ट स्कोर याद नहीं है, बट आमिर ने किसको आउट किया, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, तीनों को आउट कर लिया। अगर ये लोग खड़े हो जाते तो कोई टारगेट बड़ा नहीं होता, आपको भी पता है इतने फॉर्म में थे, बट आमिर अकेले मैच ले गए। तो ये इतने बड़े प्लेयर हैं और मोहम्मद आमिर पर्सनली अभी टीम में होने चाहिए थे, अब समझ सकते हो अब रिटायरमेंट ले लिया, बाहर हो गए। बहाव रियाज तो चलिए ठीक है, 36 साल के हो चुके हैं तो अब उनका तो करियर ख़त्म ही है। सलीम मलिक भी बहुत बड़े प्लेयर थे, आप जाके चेक करिए, फिक्सिंग में फंसे उसके बाद भी मैं बड़ा प्लेयर मानता हूँ उनको, अगर आप उनके स्टेट्स देखेंगे तो। तो इन्होंने जो बात कही ऋषभ पंत को लेकर, तो यार ऋषभ पंत की अगर टीम इंडिया में जगह बनती है तो वो मेरे हिसाब से KL राहुल की जगह आ सकते हैं, बट ऐसा होने वाला है नहीं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। KL राहुल की जगह ऋषभ पंत आ सकते हैं, DK की जगह भी आ सकते हैं, बट टीम इंडिया सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी अनटिल अनलेस कोई इंजर्ड नहीं होता है, मेरे हिसाब से तो ऐसा होगा। हो सकता है अगर विकेट स्पिन फ्रेंडली ना हो तो हर्षल पटेल को शायद जगह मिले टीम में इन फ्यूचर, हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि अगर ये प्लेयर फिट रहे तो यही फाइनल तक खेलेंगे, ऐसा दिख रहा है। अश्विन की जगह शायद चहल आ जाए, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, यही चेंजेस है पॉसिबिलिटी। राहुल ख़राब फॉर्म में ज़रूर है, बट राहुल भी बहुत बड़ा प्लेयर है यार, किसी दिन चल गया वो, जिस दिन चल गया तो वो मैच आप समझें कि इंडिया को बहुत अच्छा स्टार्ट मिलेगा और फिर बहुत ही मतलब नीचे वाले बैट्समैनों के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, वो अपना जो नेचुरल गेम है वो खेल सकें। तो अब DK के साथ ये सीन हुआ था कि DK उस दिन अगर मैच हारते तो सबसे बड़ा जिम्मेदार DK होता, 2 बॉल पे 2 रन चाहिए थे, DK था स्ट्राइक पे, लेकिन वो अब ठीक है, हो गई गलती, अश्विन ने ख़त्म कर दिया तो वो मैच हम भूल गए, बट DK ने उस दिन बहुत गलत किया था। ऋषभ पंत की टीम में जगह बनती है, बट कैसे खिलाएं, या तो DK या तो KL राहुल, इन दोनों की जगह आ सकते हैं, आपको क्या लगता है कमेंट में अपने दीजिए सुझाव, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। जय।